HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चे जब घर से बाहर खेलने जाते हैं तब छोटी मोटी चोट लगना आम बात है। आपस में दौड़ भाग के दौरान बच्चों को लगी चोट से माँ बाप चिंतित तो होते हैं, लेकिन आमतौर पर उन छोटी चोटों का इलाज घर पर ही कर देते हैं। वो चोट जल्द ही ठीक भी हो जाती हैं, लेकिन कई बार ये मामूली सी दिखने वाली चोटें माँ बाप के लिए गंभीर समस्या बन जाती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला कैलिफोर्निया के अलिसो वियेजो शहर में रहने वाली रशेल नामक महिला के 7 वर्षीय बेटे के साथ जब उसके पैर में खेलते समय चोट लग गई। उस वक्त तो रशेल ने उस चोट को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि साधारण चोट है जो अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन 7 साल के पॉल फ्रैंकलिन के पैर में लगी छोटी सी चोट देखते ही देखते कुछ दिनों में गंभीर हो गई और उसके पैर में घाव के साथ पस भी पड़ गया। लेकिन बचे माँ ने घाव में पस के साथ कुछ और भी गौर किया जो उसके घाव में मौजूद था। इसके बाद रशेल ने अपने बेटे को डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर भी इस समस्या को समझ नहीं सके क्योंकि उस वक्त तक पूरा घाव पस से भर चुका था और वे काले रंग में बदलता जा रहा था। कुछ दिन में घाव में सूजन और ज्यादा बढ़ने के साथ पस अपने आप ही बाहर निकलने लगा। काफी हद तक पस निकल जाने के बाद रशेल को घाव में वो चीज नजर आने लगी जिस पर उन्होंने गौर किया था। घाव के अंदर कोई छोटी सी चीज मौजूद थी। रशेल ने उस चोट वाली जगह को जोर से दबाया तब वो छिपी हुई चीज बाहर निकली। रशेल ने बताया कि जब वो चीज बाहर निकली तब वो हैरान रह गई क्योंकि वह एक घोंघा था। बाद में रशेल को बताया गया कि बच्चे के चोट लगने के दौरान ये घोंघा उस चोट के माध्यम से पैर में घुस गया था और वहाँ उसने अपना घर बनाना शुरू कर दिया था।